बेबी पिटबुल इज ग्रे कलर एंड इनके कलर इज लाइक देखो मस्त सा ना ब्लैक सा टीका है ना। हाँ। हेलो पब्लिक, आई एम जेस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ एंड अपसेट भी हूँ। सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी क्योंकि मैं बहुत खुश थी उसमें भी, क्योंकि हमारे घर पर आए थे दो नए छोटे मेहमान किटन्स, दोनों फीमेल है छोटे छोटे। इफ़ यू हैवन सीन दैट वीडियो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कल जब मैं बाहर से आई तो दोपहर को जो हमारे यहाँ पे जो लोकल डॉग है एक मम्मा डॉग, सो उसने कल दोपहर को दिए 7 बेबीज एंड सारे के सारे ब्लैक कलर के बेबीज है। आपने उस डॉग को भी देखा होगा मेरी ना पिछली वीडियोज़ में, सोशल वर्क वाली कोई वीडियो में। सो एंड अपसेट मैं इसके लिए हूँ क्योंकि इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एंड आई एम द ओनली पर्सन टू हैंडल इट ऑल। अब मुझे जाके खाना बनाना है, रोटियाँ बनानी है टू फीड माई डॉग्स एंड कैट्स, ये मेरा रोज़ का काम है दो टाइम का। तो गाइज होता ये है कि हाउ शुड आई टेल एंड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि हम इतना मेहनत करते हैं एंड हेड्स ऑफ टू दोज NGOs जो भी इतनी मेहनत करती है, रेस्क्यू केसेस लेते हैं एंड स्पेशली स्टेरिलाइजेशन के जो केस लिए जाते हैं लिटरली। मतलब वी नीड टू थिंक अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑफ एनिमल्स टू। आप ह्यूमंस के बारे में सोचते हो, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल, बट आपको एनिमल्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ये काम होता है मतलब गवर्नमेंट का एंड जो मैं यहाँ पे रह रही हूँ छोटे से गांव में सरपंच का भी। बट ना कल ही इलेक्शन हुआ 1 दिसंबर एंड आज 2 दिसंबर। सो ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इट्स एक्सेप्टेबल, आप करते भी हो ना, जॉब दिलाएंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, लेडीज़ की फ्री ट्रैवलिंग होगी, गैस का बिल या बिजली का बिल आधा कर देंगे, ये दिस दैट, ओके इट्स एक्सेप्टेबल। बट कभी आपने सोचा है एनिमल्स के बारे में कि हमको कैंप रन करने चाहिए, स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन के ऐसे कैंप रन करने चाहिए? बट दिस इज़ मेकिंग मी सो वॉट अपसेट कि मैं इतने सारे बच्चों को हैंडल कर रही हूँ एंड ना लास्ट ईयर भी फेब्रुअरी में आई लॉस्ट माई 10 बेबीज ड्यू टू अ वायरस। सो ये भी होना चाहिए यार कि इंसानों का आप ख्याल रख रहे हो तो साथ में हमारी सोसाइटी में डॉग्स कैट्स ये सब भी तो है, सो इनकी देखभाल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट बस ना गांव के लोग तो बहुत अजीब होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो फीड करते हैं, बट कुछ लोग तो 1 मंथ ओल्ड पपीज़ को भी लात मार के चले जाते हैं, ऐसे मैंने केसेस देखे हुए हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी 7 बेबीज़ है, 1 मंथ तक उनकी आँखें तो नहीं खुलेगी, 1 मंथ के बाद दे लर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग, 1 मंथ के बाद ये बाहर आएंगे बच्चे, अभी तो दादी के घर पे अंदर दिए हैं, सो दे आर सेफ। आफ्टर 1 मंथ पता नहीं चल के कहाँ पहुँचेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे। सो इट्स आवर ड्यूटी कि हम बाहर की दुनिया उनके लिए सेफ बनाए। कुछ नहीं तो सही, एटलीस्ट पानी का एक बाउल रख दीजिए घर के बाहर। एंड मैं फ्रीक्वेंटली ये बातें करती रहती हूँ टू मेक श्योर दैट आई डू स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्लीज़ कुछ ना कुछ ना इससे ज़रूर सीखिए, मोटिवेट हो जाइए, टेक दैट इंस्पिरेशन, क्योंकि ना इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड होपफुली गवर्नमेंट को भी ये स्टेप लेना चाहिए कि सारे ना डॉग्स के लिए ऑपरेशन कैंप्स रन करने चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमंस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हो तो एनिमल्स की हेल्थ के बारे में क्यों नहीं? एक डॉग हर साल कितने बच्चे देगी, उसकी भी हेल्थ का ज़रा सोचो, ख्याल करो यार। सो इतना ही मुझे ना ऐड ऑन करना था कि यार ना आप इतने बड़े बड़े वादे करते हो तो एक छोटा सा स्टेप आप ले ही सकते हो। हाय किटू, किटू इज हियर, किटू इनके बच्चे हैं, ये बेड के नीचे छुप के बैठे हैं, यही घुस जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 1 मंथ के बच्चे एंड अभी वो 7 बच्चे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं ना खाना बना लूँ जाके, आप सबसे मिलती हूँ रोटी वोटी बना कर। चलो 1 बजने वाले, मैंने रोटियाँ बना ली है। सो 3 बड़ी बड़ी रोटियाँ फॉर पिटबुल एंड ड्रेस भी खराब हो गई है, आटा लग गया है, चलो दे के आते हैं एंड वील मीट बेबी। हियर इज पिटबुल, ये हमारा पिटबुल।
गरम गरम रोटियाँ। हाँ खाओ। तब तक हम मिलके आते हैं बेबी से, वेयर आर दे। सो और ये दादी का घर है जो बंद ही रहता है। लुक एट दिस। हाय। ये बिल्कुल ऐसे इंग्लिश गाय की तरह दिखता है। बेबी काओ। हाय। है ना एकदम काओ जैसा। हाँ पिटबुल, पिटबुल इज हियर। यस तुम्हारा बेबी पिटबुल इज ग्रे कलर एंड इनके कलर इज लाइक देखो मस्त सा ना ब्लैक सा टीका है ना। हाँ। यस माय काउ बेबी हाय। बहुत प्यारा है ना ये टीका, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ तुम्हारा ही बेबी है, चलो रख देती हूँ। यस सब खा लिया। एंड लुक एट दिस। ओ दब गया पिटबुल। ये पिटबुल की तरह दिखता है इसकी शक्ल, सो इसका नाम पिटबुल है। हाँ ये लो खाओ। एंड ये पूरा ब्लैक है, इसके ऊपर वाइट टीका है ना माय ब्लैकी एंड वाइट स्पॉट। कितना ज्यादा क्यूट है ये। लो एंड वेर इज अवर प्रॉपर आई। नहीं लेके जाऊंगी मैं बेबीज को। ओके बच्चे दब गए, बच्चे दब गए। वो देखो पूरा ब्लैक ब्लैक बच्चा मेरा, वन डे ओल्ड, 24 आवर्स कंप्लीट है ना। ये लो मम्मा के पास जाओ। मम्मा ऐसे बैठ गए लेकिन तीन बच्चे यहाँ है। दिस इज चॉकलेट इन कलर। आधे बच्चे यहाँ रख दिए। अनदर काउ बेबी। ओ ये चॉकलेटी एंड वाइट स्पॉट। ये लो जो मम्मा के पास जाओ। ओके सो खिला दिया। हाँ सारा खाना खा गई है पिटबुल। बाय, वापस आऊंगी मैं। गाइस देखे आपने कितने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज थे, एकदम जस्ट 24 आवर्स वन डे ओल्ड। एक महीने तक वो वहीं पे रहने वाले, आफ्टर वन मंथ दे विल बी स्टार्ट वॉकिंग क्रॉलिंग। तो पता नहीं तब बाहर की दुनिया वाले इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज यहाँ की मेंटालिटी इज़ नॉट दैट गुड। लोग ऐसे पत्थर मारते हैं, डंडे वंडे मारते हैं। दे नीड टू प्रिपेयर विद दैट ऑल्सो। एंड हर टाइम मेरे यहाँ के जो बच्चे होते हैं मैं उनको बचा लेती हूँ। माय गुडनेस लियो, फाइट तो इतनी कर चुकी हूँ ना मैं, मतलब आस पड़ोस के साथ इतना ज़्यादा फाइट हो चुकी है मेरी। द वे दे ट्रीट एनिमल्स, क्रूएल्टी का केस डाल दूँ फाइल कर दो ऐसा लगता है मुझे। एंड स्ट्रिक्ट लॉस तो वैसे भी है नहीं, आई विश जो होते। इनको देखो इसकी भी मेडिसिन चाल, इसको मेडिसिन लगाते कुछ तो हो गया। इसको पूछ में लियो बस। एंड अगर बेबीज बाहर आए हैं किटन्स, नहीं ये यहाँ पे होते बेड के नीचे, अंदर से घुस गए, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। सो हैंडलिंग देम सिंगल हैंडेड इज़ लिटरली वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी। सो ना आप भी मेरी हेल्प करना, आस पड़ोस के जो भी डिनर डॉग्स है उनको खाना खिलाना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग करो, वीडियो शूट करो, हो सके तो कंप्लेन करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल, आई वुड से इट्स अ वेपन, सो मेक अ गुड यूज ऑफ दैट। एंड जितना हो सके मैनुअल पावर तो मैं अकेली करती हूँ। व्हाट शुड आई से, हाय किटी, बच्चे नीचे है बट आ गई फिर से।
ओके सो ऑलमोस्ट ना इट्स 1 PM, लंच बाकी है मेरा, बहुत ज़्यादा भूख लगी, 20 रोटियां बना ली मैंने आज. और तो क्या ही कहूँ, लाइफ में इतना सारा प्रेशर बन चुका है ना, वंस यू क्रॉस 25 सो आपके पेरेंट्स आपके सिर पे बैठे होते हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता यार, मुझे सोशल वर्क बहुत पसंद है, आई हैव टू डू दिस, एंड इट्स ईच वन ऑफ अस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनकी तरफ हमारी ड्यूटी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं. एंड गाइस ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम जो आते हैं आई नो, बट नो ऑल टाइम ऐसे मेकअप वेकअप लगा कर यहाँ वहाँ बार बार घूम कर ऐसे वीडियोस तो नहीं बना सकते. इट्स ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल कि मैं कैसे लाइफ जी रही हूँ. हाँ घूमना फिरना होता है बट ऐसे रोज़ तो नहीं घूम सकती ना मैं. एंड ये भी मेरे पार्ट है सोशल वर्क का, आई डू सोशल वर्क, मैं ट्रैवल भी करती हूँ जब भी चांस मिले तभी. एंड अभी देखते हैं आगे, मेरे बहुत सारे प्लान्स भी है मेरे सोशल वर्क को लेकर, लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड डू सपोर्ट मी. मेरा एक पेज भी है, हैंडल मेंशन कर लूँगी मैं, मतलब मैं वहाँ पे मैं अगर 100% काम करूँ तो मैं बस 20% पोस्ट कर पाती हूँ, बाकी का 80% बस इनके साथ चला जाता है, क्योंकि कौन कैमरा पकड़ेगा, कौन शूट करेगा जब मैं इनको खिला रही हूँ, एंड इतनी सारी कैट्स इन 5 to 7 कैट्स सारी चढ़ जाती है, सारे डॉग्स आ जाते हैं, सो इनको हैंडल करूँ या फिर ना बनाऊँ, जितना हो सके उतना मैं क्लिक्स करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, पर तो भी कम पड़ता है, इट्स फाइन. जब तक मैं अच्छे काम कर रही हूँ और मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड, जो कि मटेरियलिस्टिक नीड को कंप्लीट करके हमको नहीं मिल पाता, वो सिर्फ टेम्पररी होता है, ये मेरा परमानेंट सेटिस्फेक्शन है. मैं रात को अच्छे से सो पाती हूँ, एंड विशिंग मी ऑल द बेस्ट टू कंटिन्यू दिस वर्क, बस ऐसे हिम्मत मिले, ताकत मिले कि मैं काम और कर पाऊँ, एंड ना ऐसे बड़े लेवल पर एक्सपांड भी कर पाऊँ. सो डू गिव इट अ वॉच टू सच वीडियोज and do support my work. On this note, I'll take a leave here. See you in my next video. Till then, stay fit, stay healthy. Bye.